खुजनेर नगर में जबरदस्त बारिश का दौर शुरू हो गया। ज्ञात हो कि किसानों ने अपने खेतों में एक माह पहले सोयाबीन, मक्का, ज्वार, मूंगफली, उड़द आदि की बोनी कर चुके थे। वहीं दूसरी ओर बारिश नहीं होने की वजह से किसान तथा आम नागरिक परेशान से नजर आ रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पिछले साल सोयाबीन तथा आम फसलों के खराब होने से किसानों के ऊपर संकट सा बना हुआ था, जो इस साल भी पूर्ण लॉकडाउन की वजह से किसान तथा आम नागरिक कहीं न कहीं परेशान नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही बारिश झमाझम शुरू हुई, किसान तथा आम नागरिकों के चेहरे खिले हुए नजर आए। वहीं मीडिया से कुछ किसानों की, कुछ नौजवानों की, आम नागरिकों की बात हुई तो उन्होंने ईश्वर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया इस बारिश के लिए। वहीं कुछ नागरिकों का कहना है कि अब खेतों के अंदर बारिश के होने की वजह से फसलों में काफी फायदा होगा। कुछ नागरिकों का कहना है कि पीने के पानी में भी बहुत कुछ फायदा होगा। टीम भारती न्यूज। बारिश आते ही यहाँ पे किसानों के चेहरों पे रौनक बहुत खिल रही है। बारिश से बहुत बेसब्री से इंतजार था यहाँ लोगों को। यहाँ पे देखो हमारे भाई लोग कितने उत्साहित हैं। आप बताएं, आप बारिश को लेकर कैसे खुश हैं, सुकून महसूस कर रहे हैं? अच्छा, क्या मतलब इस वक्त आप बारिश में क्या करना चाहेंगे? मतलब बहुत दिनों से हमें बारिश का जो इंतजार था, और आज बारिश को देख कर काफी हमें खुशी हुई। नदी हमारी सूखी पड़ी हुई थी, जो कि आज देखिए आप क्या, यानी कि जल संकट जो लगातार खुजनेर के अंदर बना हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। बिल्कुल राहत मिलेगी, आप किसानों के चेहरे खिल उठे, बाजारों में चहल पहल शुरू होगी। अच्छा, कुछ और बच्चे हमारे साथ महसूस आई, कैसा लग रहा है? बारिश हो रही है तो बताएं। अच्छा लग रहा है बारिश। आप पानी को देखने के लिए आए हुए हैं? अच्छा, स्कूल जाते हैं आप? अगर स्कूल खुलेंगे तो स्कूल जाएंगे? चलिए। Subscribe now to most exciting channel ever.